दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ पेट को बिल्कुल साफ़ और क्लीन और तंदुरुस्त बनाएगा। कैसे करना होता है, सही तरीका क्या है बाथरूम का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जो आपका पेट है ये, ठीक है, जब आप जहाँ पे बैठते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो अपना बाथरूम का सीट होता है, जो पैर रखने वाला, वो कुछ इस प्रकार से होता है, और वहाँ पर हम बैठ जाते हैं, बैठते हैं पैखाना करने के लिए। तो ये जो हाथ है अपना, इसको यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे लगाना होता है ऐसे, और ऐसे लगा करके, और ये एक हाथ जो है मतलब गाल पे भी लगाते हैं, और ऐसे लगा करके आराम से बैठते हैं। ये बाएं साइड में नहीं लगाना होता है, आप कभी गलती से भी मत कीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल मतलब पेट आपका जब साफ़ हो जाएगा, जब ऐसे बैठेंगे तो साफ़ हो जाएगा पेट, एकदम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैं आपको और कुछ तरकीबें बताता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके हाइट बढ़ाने में भी मदद करेगा। जो है कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आप ऐसे जब झुकेंगे तो इसको ज़मीन से टच कीजिए, जो ज़मीन होता है उससे आप टच करेंगे, ठीक है। तो इसको 5 बार करना है, और आपका पेट जो है अगर बाहर तरफ आ रहा है तो वो अंदर तरफ चला जाएगा। आपका जो ये जो है कमर के नीचे से, ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, और आपका हाइट बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। आपके कमर में दर्द वर्द रहेगा, इसको भी जो है ये होने नहीं देगा और दूर कर देगा। एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे आपको करना है 5 बार 10 बार, अगर कम से कम 5 बार भी करते हैं तो ये आपका जो जितने भी नशे हैं ये सिकुड़ कर एकदम टाइट और मसल टाइट हो जाती हैं, सीना बाहर आता है, और आई कांटेक्ट जो है मतलब सीधा देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सीधा। ये हर कोई नहीं बताता है, ये नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस, और हाइट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पाँव से लेकर के और ये आपके सर तक जितने भी नशे सिकुड़ी हुई होती हैं, ये बिल्कुल तंदुरुस्त और फुरुस्त होते हो जाती हैं, ठीक है। तो आप शायद, उम्मीद करता हूँ, सब कुछ समझ गए होंगे, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बिल्कुल क्लीन और स्वस्थ रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। कुछ योगा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप इस तरह से चौकड़ी मार करके बैठ करके 3 उंगली जो है अपना सांस को लेकर के रोक करके छोड़िए। ऐसे करने से आपका जो अंदर का सांस जब अंदर जाता है, तो उससे आपका जो गुस्सा या फिर ऐसा कुछ होता है शरीर के अंदर, वो सब दूर हो जाता है। ये खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जितने भी वैक्सीनेटर और सहायक मेरे मित्र हैं, आपने रामदेव बाबा का भी देखा होगा योगा करते हुए, ठीक वैसे योगा करना चाहिए, और शरीर तंदुरुस्त और फुरुस्त रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, आप सब कुछ समझ गए होंगे यार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मैं तरीका बताया हूँ वैसे आप करके देखिएगा, 10 दिन आपका पेट का रोग जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। अगर मेरी बात से समझ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, आप लाइक करते हैं तभी हमको खुशी मिलती है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, फिल्म मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।